तुम्हें एहसन साहब से कोई हमदर्दी नहीं है? तुम्हारी नजर सिर्फ उनकी बेटी और दौलत पर है। तो तुम्हारी नजर भी तो सारा पर ही है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ दिली दिल में तुम उस पर फिदा हो। मैं उसके मोबाइल से तुम्हें मैसेजेस भेजती रहूंगी, बस तुमने अपने पास वो मैसेजेस रखने हैं सबूत के तौर पे। और अगले हफ्ते तुम यहाँ रहने आ जाना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे करना क्या है। जब से आपने उसको कमीशन दिलवाया है ना, तब से वो बहुत ओवर स्मार्ट और रूड सा हो गया। आपको पता है शाजमा के साथ भी बदतमीजी से बात कर रहा था वो। जो कुछ तुम्हारा और बेला का है वो तुम दोनों का ही रहेगा, मेरी जिंदगी में भी और मेरे बाप भी। अखियां नु तेरी दीद दी बना चाहिए। मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूँ कि तुम कुछ अपसेट और खोए खोए से हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। Are you sure? तुम्हारी नजर भी तो सारा पर ही है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ दिली दिल में तुम उस पर फिदा हो। क्या ऑफिस में कोई टेंशन चल रही है या घर में कोई मसला, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो? मैंने आपसे कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम्हें कंपनी की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस पे कैश प्राइज मिला है। I am really proud of you. पर तुम मुझे खुश नहीं लग रहे। नहीं, मैं खुश हूँ। एहसन साहब आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड हायर करना चाहते हैं। शाम को दो चार लोगों को लेकर मैं आऊंगा, आप और एहसन साहब उनसे मिल लीजिएगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बाबा को मना कर दूंगी। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी गार्ड की जरूरत नहीं है। मैं आपका बॉडीगार्ड तो नहीं हूं। तुम हमेशा हर जगह मेरे साथ होते हो, मेरे हर बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ दिया, हमेशा ढाल बनकर मेरे साथ खड़े रहे हो। तुमसे बेहतर ख्याल मेरा कोई नहीं रख सकता। ज़हीन, मैं तुम्हारे साथ बहुत सिक्योर फील करती हूँ। और तुमने ठीक कहा था, मैं अब बहुत मजबूत हो गई हूँ। अपनी हिफाजत के लिए अब मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं हमेशा तो आपके साथ नहीं रहूंगा ना। क्यों, तुम जॉब छोड़ने का सोच रहे हो? फिलहाल तो ऐसा इरादा नहीं है, मगर जब आपकी शादी हो जाएगी तो फिर तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। तुमसे किसने कहा कि मैं अभी शादी कर रही हूँ? अभी तो मुझे शाजमा के साथ बहुत सारे हिसाब चुकाने हैं, और उस सब में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बताओ, दोगे मेरा साथ? मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। कब तक? हमेशा। तुमने ठीक कहा था, बुरा वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा कर जाता है। जिंदगी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया है। अब मैं इतनी मैच्योर और समझदार हो गई हूँ कि हालात का मुकाबला कर सकूँ। अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। आप ठीक कह रही हैं सारा, हम सब अपनी गलतियों से और जमाने की ठोकरों से ही सीखते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप किसी से ना डरें, किसी की बातों में ना आए और ना ही किसी को इजाजत दें कि वो आपकी जिंदगी से खेले। शायद आपको देर हो रही है, अपना ख्याल रखिएगा। अखियां नू तेरी दीद दी बना चाहिए। अखियां नू तेरी दीद।
अपना चाहिए। बैठे बैठे मिस सारा की किडनैपिंग के हवाले से भी हमें वाश के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। सर मैंने आपको उसके बैंक अकाउंट्स और फोन रिकॉर्ड चेक करने का कहा था। जी जी हमने इस बारे में भी पूरी तसल्ली करवाई है। वहाज जिस घर में रहता है उसके ओनर से भी हमने पूछगुछ की है। वो जिस कंपनी में काम करता है वहाँ के HR डिपार्टमेंट से भी हमने पूछा है। तकरीबन हर जगह से हमें तसल्ली बख्श जवाब मिला है। मैंने आपसे कुछ मशकूक सरगर्मियों का भी जिक्र किया था। मुझे सिर्फ सारा की किडनैपिंग के हवाले से उस पर शक नहीं है। वो एक इंतहाई धोखेबाज झूठा और फरेबी लड़का है जो हर तरह की गलत सरगर्मियों में मुलाफिज है। इन सब बातों का आपके पास कोई सबूत? सबूत ढूंढना तो आपका काम है। मुझे सिर्फ इस बात पर शक है कि कहीं कोई मजीद बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है वो। क्या आप जानते हैं एक शरीफ और बेगुनाह इंसान के खिलाफ झूठी FIR कटवाने की क्या सजा होती है? आपको लगता है कि मैं उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ? देखें भाई, कानून सुनी अनसुनी बातों पर यकीन नहीं रखता। अगर आपको वहाज पर शक है तो उसके खिलाफ ठोस सबूत मुहैया करने होंगे। आपने पूरी कोशिश की है और अब तक कर रहे हैं। अगर मजीद कुछ दिन तक हमें उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिला तो आपको गलत FIR कटवाने के जुर्म में आपको जुर्माना भी हो सकता है। हेलो, मैं तुम्हें इतने दिनों से फोन मिला रहा हूँ लेकिन तुम्हारा नंबर मुसलसल ऑफ आ रहा है। मुझे तो लग रहा है तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। जब तुम जानते हो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम क्यों मुझे बार बार कॉल्स कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मैंने अपने बाबा का एतमाद खोया है रूमी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। सारा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या कसूर है मेरा? सिर्फ यही कि मैंने तुमको चाहा? इस दुनिया में अगर कोई तुमसे सच्चा प्यार करता है ना तो वो सिर्फ मैं हूँ सारा। मुझे अब किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। जिन हालात से मैं गुजर चुकी हूँ उसके बाद मैं अपने बाबा को परेशान करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अब मैं वही करूंगी जो बाबा चाहेंगे। तुम मुझे छोड़ दोगी? छोड़ चुकी हूँ। आइंदा मुझे फोन करने की या मेरे घर आने की कोशिश मत करना। तुम हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। एक मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारी खातिर पूरी फैमिली से लड़ रहा हूँ। तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है मेरी? अब तुम्हें मेरे लिए किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दोनों का साथ शायद किस्मत में है ही नहीं। खुदा हाफिज। क्या आप जानते हैं एक शरीफ और बेगुनाह इंसान के खिलाफ झूठी FIR कटवाने की क्या सजा होती है? देखें भाई, कानून सुनी अनसुनी बातों पर यकीन नहीं रखता। अगर आपको वहाज पर शक है तो उसके खिलाफ ठोस सबूत मुहैया करने होंगे। क्या सोच रहा है बेटा? अरे अम्मा, आप आए ना। दफ्तर से आते ही सीधा तू अपने कमरे में चला आया। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? परेशान लग रहा है। दफ्तर में कोई टेंशन है या फिर कोई और बात है? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है।
आप खामखा वहम करती हैं ना। अरे हाँ, साथ वाली जकिया से तेरे लिए लड़की देखने के लिए कहा है। दो तीन लड़कियों की तस्वीरें भी भेजी हैं उसने मुझे। कल मैंने तुझे दिखाने की कोशिश की लेकिन तूने फिर टाल दिया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मेरा अभी भी यही जवाब है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। बेटा, मैं भी तेरी शादी इतनी जल्दी नहीं करवाना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? जब से तेरी नौकरी लगी है ना, मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। जब देखो मुंह उठा के नया रिश्ता लेकर आ जाते। तोबा तोबा, अजीब जमाना आ गया। अब लड़की वाले खुद चलकर लड़के वालों के पास रिश्ता मांगने आते। अम्मी, मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। मुझे अभी शादी ही नहीं करनी है। जब करनी होगी तो मैं बता दूंगा आपको। तो ये बोलना कि तू भी अनवर की तरह अपनी मर्जी करना चाहता है। अच्छा, कौन है वो? आज जरा अम्मा को उसका नाम भी बता दो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर कोई होता मेरी जिंदगी में तो सबसे पहले मैं अम्मी को बताता। और ये सज्जो के साथ क्या चक्कर है तुम्हारा? क्या मतलब? मुझे शबाना ने तुम्हारे और सज्जो के अफेयर के बारे में सब बता दिया। भाभी झूठ बोल रही है, मेरा और सज्जो का कोई अफेयर नहीं है। तुम छुप छुप कर मिलते हो उससे, मोबाइल पर कॉल्स और मैसेजेस कर करके उसे शादी के झूठे वादे करते रहे हो। ज़हीन, क्या ये सच कह रहा है? अरे झूठ है ये, बकवास है बिल्कुल। आप भाई की बातों में हरगिज मत आइएगा। ये भाभी के कहने पर मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं। मैं भी इनकी ब्लैकमेलिंग में हरगिज नहीं आऊंगा। बुलाएं भाभी को, बुलाएं मेरे सामने और पूछे उनसे कि मैंने उनकी बहन के साथ ऐसे कौन से वादे किए हैं, कौन सी कसमें खाई हैं, और ये कौन से मैसेजेस की बातें कर रहे हैं वो लोग। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने बेटे और उसके किरदार पे जरा सा भी शक नहीं है। मैं तेरी बीवी और तेरी चलाक चिलतर साली को ना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। दोनों मिलके ना मेरे बच्चे के खिलाफ साजिश कर रही हैं वो। और तुझे, तुझे तो उसने उल्लू का गोश्त खिला दिया। जो बोलती है वही करता है तू, वही करता है। लेकिन ज़हीन, मेरा बच्चा उसके झांसे में नहीं आने वाला। अम्मा, मैंने खुद सज्जो के मोबाइल में इसके प्यार भरे मैसेजेस देखे हैं। झूठ बोल रहा है आपका बेटा। बस कर दे भाई, अब आपने मजीद एक और लफ्ज कहा तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अम्मा, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा घुन्ना है ये। हम सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है, धोखा दे रहे हैं हम सबको ये। और तुमने समझ के रखा सज्जो को? हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो मेरी ज़हीन, मैं सज्जो के साथ ये ज्यादती हरगिज नहीं होने दूंगा, समझे तुम? बस कर जानवर, खबरदार, जो अपनी चलाक साली का रिश्ता मेरे बेटे से जोड़ने की कोशिश की तो तू अच्छी तरह से जानता है। तेरी जिद की खातिर तो मैंने अपने असूल कुर्बान कर दिए। लेकिन ज़हीन, ज़हीन के मामले में मैं किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करूंगी। समझा देना अपनी बीवी को और उस मक्कार चलाक साली को भी, समझा? भाई मेरी बात सुन, भाभी ने आपसे जो कुछ भी कहा है वो सब झूठ है। किन सबूतों की बात कर रहे हैं वो लोग? मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरे और सज्जो के दरमियान कुछ भी नहीं है और ना कभी हो सकता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। आप भाई हैं मेरे, मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मुझ पर एतबार करें। ज़हीन का फोन। ज़हीन नसीम, आज हमें कैसे याद किया इतनी रात को? हाय हमारी किस्मत। अगर आज के बाद तुमने मेरे खिलाफ कोई भी उल्टी सीधी बकवास की तो याद रखना, तुम्हारे घर आकर तुम्हारे बाप और भाई को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। मगर मैंने ऐसा क्या किया? तुम और तुम्हारी बहन मिलकर मेरे भाई को मेरे खिलाफ बरगला रहे हो। मेरे किरदार पर एक भी गलत बात आई ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और अपने जहन से ये खुनास निकाल दो कि मैं कभी तुम्हारा हो सकता हूं। मैं तो कभी भी ऐसी शातिर लड़की को अपने घर में बहू बनाकर ना लाऊं। ऐसी लड़कियां घर में बाद में आती हैं और घर का बंटवारा पहले करती हैं, और मेरा बेटा तो है ही इतना सीधा और शरीफ। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि कोई खानदानी शरीफ लड़की देखकर उसकी शादी करवा दो,
अनवर के ससुराल वालों के अलावा भी लोगों की नजर है उसको। लोगों का तो दिमाग खराब हो गया है, हाथ धोकर पीछे पड़ गए मेरे बच्चे के। ऊपर ही ऊपर से तो मुबारकबादें देते हैं और अंदर ही अंदर हसद करते हैं। अरे जलते हैं मेरे बच्चे की कामयाबी से लोग। तो क्या सारी जिंदगी लड़के को घर पर बिठा के रखोगी? बहू के डर से उसका घर नहीं बसाओगी क्या? अरे अभी चंद माह ही तो हुए हैं उसकी नौकरी को लगे हुए। अरे मेरा दिमाग खराब है जो मैं अभी से बहू का बिखेड़ा डाल के बैठ जाऊं? पहले उसकी कमाई से इस्तफादा तो हासिल कर लूं मैं। अल्लाह अल्लाह करके तो ये दिन देखना नसीब हुए हैं। ऐसे तो जान जोखिम में डाल के मैंने उसको इस काबिल नहीं बनाया था कि उसको बीवी के चौचड़ों में उलझा दूं। देख रहा हूं बहुत खुद गर्ज होते जा रहे हो दिन ब दिन। बच्चे की परवाह नहीं, अपनी पड़ेगी तुमको अपनी, बस। क्यों नहीं होगी मुझे परवाह, और माँ से ज्यादा किसे फिक्र होगी औलाद की? अरे जहीन मेरा बच्चा है, मेरे दिल का तारा है वो, मेरा सुकून है। लेकिन मैं क्या करूं, अभी मेरा उसके शादी करने को दिल नहीं मानता और जहीन खुद अभी इस शादी के हक में नहीं है। तो उसको राजी करना कौन सा मुश्किल काम है भाई? मैं तो कहता हूँ इस फर्ज से जल्दी निमट जाओ और खानदान वालों को आसरे में मत रखो। खानदान में तो मैंने नहीं करनी शादी। ये कहां से आ गई है? ए लड़की कहां जा रही है, ना सलाम ना दुआ? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह कैसे, और ये बैग क्यों लेकर आई है? वो मैं 3 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। अम्मा अब्बा है ना वो हैदराबाद शादी पर गए, तो भाई मुझे यहाँ छोड़ गए। 2 दिन तक लेने आ जाएंगे। आपा कमरे में है? नहीं, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गई हुई है। जा अंदर जा तू, जा। देखा आपने इन लोगों की हरकतें? पता नहीं किन चक्करों में ये लड़की। पूछती हूँ अनवर से मैं, रोज रोज अपनी बहन को घर में बुलवा लेती है। हाँ, और ठेका लिया हुआ है हम लोगों ने उसका। अम्मा अब्बा छोड़ के चले गए हैं और सामान लेके टपक पड़ी है हमारे घर पे। पैर तो टिकता ही नहीं है घर में मोहतरमा का। अभी फोन मत करो, वो काम कर रहा होगा। और ये बच्ची तो कभी कभी आ जाती है बेचारी। मुझे तो इसका कभी कभार आना भी खलता है। खुद तो हैदराबाद चले गए और अपनी बच्ची को यहाँ फेंक गए, और ये साहिबा रोजाना अपनी बहन को यहाँ बुलवा लेती है। अभी पूछती हूँ। हाँ अनवर, आज शाम को ना जरा जल्दी घर आना, मुझे तुझसे और तेरी बीवी से 2 टोक बात करनी है। तेरी साली ना फिर बोरिया बिस्तर लेकर आ गई है घर में। और ये कोई तरीका है, रोजाना घर आ जाती है वो, और तू अपनी बीवी को कुछ बोलता क्यों नहीं है? हाँ डोरे डालती है मेरे बेटे के ऊपर वो, देखिए आंखें उसकी। जहीन की जानिब से खदशात बढ़ते जा रहे हैं। क्यों ना कुछ दे दिलाकर उसका मुंह बंद कर दिया जाए। वो बहुत खुददार और ईमानदार है, ऐसे लोगों को सिर्फ डराया और धमकाया जा सकता है। ये कुछ करने का वक्त है वहाज, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी मुंह बंद रखे। हाँ तो ठीक है, कोई स्कैंडल बनाकर उसे उसे बदनाम कर देते हैं और क्या। मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना उसे गबन के इल्जाम में अंदर करवा दिया जाए, लेकिन ये काम हमें बहुत जल्दी करना होगा। ये ना उससे पहले कि वो एहसन के सामने अपना मुंह खोले और हम कहीं के ना रहे। तुम्हारी जुरत कैसे कमरे में आने की? जुरत तो मेरी इससे कई ज्यादा है। छोड़ो उसे, पागल हो गई हो क्या? महाज प्लीज तुम इसे संभालो, अच्छी तरह समझाओ। ऐसे मेरा खड़े में वेट कर रहे, मैं जा रही हूँ। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को। शाज़मा तुम जाओ, मैं इससे बात करता हूँ, आज इसकी सारी गलतफहमियों को दूर करता हूँ। कोई गलतफहमी नहीं है मुझे। हाँ तो ठीक है, बैठ कर बात करते हैं ना। आज सारी नाराजगी को खत्म करके दोस्ती कर लेते हैं। मेरी दोस्ती से तुम फायदे में रहोगे। तुम जैसे इंसान से दोस्ती तो क्या, दुश्मनी करना भी मुझ जैसे इंसान के लिए नीचे गिरना होगा। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया वहाज, तैयार रहना।
बहुत जल्द तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? मैं क्या जवाब दूंगी सबको? जैन, जैन! सज्जो, जब रात को सब सो जाएं तो मेरे कमरे में आना, बहुत जरूरी बातें करनी है मुझे तुमसे। हर जगह मेरे साथ होते हो, मेरे हर बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ दिया। अखियां नू तेरी दीद दी पना चाहिए, अखियां नू तेरी दीद दी पना चाहिए। क्या जरूरत थी उसको अभी से इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की? एक प्रोजेक्ट क्या दिलवा दिया आपने तो उसे लाखों का कमीशन देना स्टार्ट कर दिया, और वहाज भी ट्रस्ट के लायक नहीं। आजकल के दौर में हम किसी पे एतबार नहीं कर सकते। वहाज और औरों में बहुत फर्क है शाजमा। उसकी खूबियों को एतराफ तो तुम खुद करती थी, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें उसमें खामियां नजर आने लगी? मुझे उसमें खामियां नजर नहीं आ रही, वो अच्छा इंसान होगा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि वो आपका दामाद बनने के बिल्कुल लायक नहीं है, और सारा तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है उसमें। मैंने सारा से इस बारे में अभी बात नहीं की, लेकिन मैं अपने फैसले पे अभी भी कायम हूं, और मुझे लगता है कि वहां की फैमिली की भी यही ख्वाहिश है। वहां के ताया ताई इस जुम्मे पे खाने पर हमारे घर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी आमद का जिक्र मुझे फोन पे किया था। लगता है वो सारा के रिश्ते के बारे में कोई बात करना चाहते हैं। शाहजा, मैं चाहता हूँ कि उनकी मेहमान नवाजी में किसी किस्म की कोई कमी ना हो। रही बात सारा की, तो अभी बात नहीं की सारा से, मैं बड़े सुकून से और आराम से सारा से इस बारे में बात करूँगा। चेंज कर, क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हारे कहने पर ही तो आई। क्या कर रही हो, कुंडी क्यों लगा रही हो? निकलो अभी इसी वक्त यहाँ से। आराम से,
सब सो रहे हैं, किसी ने सुन लिया ना तो क्यामत आ जाएगी। बकवास बंद करो अपनी और निकलो यहाँ से। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे अपने दिल की बात नहीं कह देते। अरे ये कैसा शोर है भाई? सालों से मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, अब जब तुम अपने पाँव पे खड़े हो ही गए हो तो मुझसे शादी में देर कैसी? चलो चलो देखते चलो। तुम कल ही अपने घर वालों से हमारी शादी की बात करो। तुम जैसी लड़की से शादी तो दूर की बात है, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। तुम्हें अपनी इज्जत का पास नहीं है लेकिन मुझे है। कुंडी खोलो, पीछे हटो। क्या करो, हाथ छोड़ो मेरा। सच सच बताओ क्या खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ? मैं कह रहा हूँ अच्छा नहीं होगा। ये कैसा शोर है अब्बा, हो क्या रहा है यहाँ? मैं तो ये सोच कर आई थी कि तुम मुझसे शादी की बात करोगे। इतनी कसमों और वादों के बाद तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी ज़हीन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ज़हीन, दरवाजा खोलो ज़हीन। अब क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगी सबको? जैन, 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 दरवाजा खोलो। मेरे अब्बा को पता चल गया तो वो तो मुझे जिंदा काट देंगे, कभी माफ नहीं करेंगे वो मुझे। अब्बा आप पीछे हटे, पीछे हटे। दरवाजा खोलो। ये क्या हो रहा है जहीन, ये क्या हो रहा है? ये बिना पूछे मेरे कमरे में आ गई और अंदर से दरवाजे को कुंडी लगा दी। झूठ बोल रहे हो तुम। बे हया बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई? मेरे ससुराल में नाक कटवाने आ गई, चल निकल यहां से, निकल। नहीं नहीं बच्चों, इसने मुझे खुद फोन करके अपने कमरे में बुलाया था। इसने मुझे कहा था इसने मुझसे जरूरी बात करनी है और फिर धमकी देने लगा कि अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो ये मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। झूठे लारे लगाता रहा मुझे शादी के। ए लड़की, तू किस तरह के वाहियात इल्जाम लगा रही है मेरे बेटे पे? अरे ये सवाल अपने शरीफ बेटे से क्यों नहीं पूछती है? ये तो मासूम है, पता नहीं कब से इसको शादी के आसरे दे रहा था और जब निभाने का वक्त आया तो बुजदिलों की तरह भाग गया। हाँ मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तेरी मासूम और शरीफ बहन को। ज़हीन, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सचो तो कह रही थी तुमने फोन करके इसको यहाँ बुलाया और तू इसके फोन करने पे यहाँ पहुँच गई। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? शर्म नहीं आई तुझे? तुझे माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है क्या? ज़हीन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें। ये भाई भाई, ये दोनों बहनें मिलके हम सबको बेवकूफ बना रही हैं। ये इनकी मुश्तरका प्लानिंग है और नहीं नहीं, मैं इन्हें इनके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरा क्या दिमाग खराब है कि मैं आधी रात को तुम्हारे कमरे में आती, तुम्हारे कहने पर आई थी मैं। आप लोगों को मेरे पे यकीन नहीं है ना, तो मेरे पास फोन में मैसेजेस है, जाए आप मेरा फोन लेकर आए। मैं अभी फोन लेके आती हूँ। कौन से मैसेजेस? ये देखें, अपनी आंखों से देख लें, पूरा इनबॉक्स भरा हुआ है इसके मैसेजेस से। देखें देखें, दिखाएं अब्बा को भी। अब्बा, ये देखें, कर ले अपनी तसल्ली। इसको दिखाओ। तो मेरा ही है लेकिन मैंने ये सब कुछ नहीं किया। अब्बा खुदा की कसम, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, ये जबरदस्ती मेरे गले पड़ गई है। अम्मा 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 अम्मा, शबाना पानी लेके आओ। अम्मा संभाले, डॉक्टर को फोन करो। शबाना, माँ ठीक तो है? अम्मा माँ के को अम्मा
जुलेखा जल्दी लाओ। ये ज़हीन नहीं आया आज सर, सुबह से फोन भी नहीं उठा रहे वो। जी हद हो गई है गैर जिम्मेदारी की भी, आज उसे पता है इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और हसन आपने तो उसे स्पेशली बोला था आज की मीटिंग अटेंड करने को। हो सकता है कोई इमरजेंसी आ गई हो। आप एक काम कीजिए, साबिर साहब को फोन करके पूछें। रहने दे मंजूर साहब, आप उसके बिना भी मीटिंग हो जाएगी, बल्कि मैं अभी फराज को कहती हूँ कि क्लाइंट को ब्रीफ करते सारे पॉइंट्स। मंसूर साहब आपने भेजा ना महाज को किसी काम से? जी जी। वरना महाज से बेहतर तो कोई भी क्लाइंट को ब्रीफ नहीं कर सकता। चले मैं देख लूंगी, अब ऐसा आप लेट हो जाएंगे, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में चले जाएं। चले ठीक है, मैं चलता हूँ। बैठे प्लीज, प्लीज बैठे। ये वहाज कहाँ पे है? घर पर आराम फरमा रहे हैं, ज़हीन और पुलिस वालों से जान छुड़ाने के मंसूबे बना रहे हैं। आप प्लीज उसे समझाएं कि पुलिस वालों से ऐसे जान नहीं छुड़ाई जाती। जब दुश्मन ज्यादा हो तो मुखालिफिन को होशियार हो जाना चाहिए। वैसे मेरा तो ख्याल है कि अब तुम दोनों को भी बहुत मोहतात होना चाहिए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरा इतना शरीफ और सीधा साधा भाई इतनी घटिया और जलील हरकत कर सकता है। लेकिन आप लोग टेंशन ना लीजिए, डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद की है आपको परेशानियों से दूर रहने की। जिस बेटे पे इतना मान था, इतना फख्र था, आज उस बेटे ने हमारा हिस्सा शर्म से उठा दिया। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मुझे अपने बेटे पर और अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है। अरे मेरा ज़हीन तो वो बेटा है जिसकी शराफत की और ताबेदारी की मिसालें पूरा मोहल्ला देता है। वो कैसे किसी की बेटी के ऊपर बुरी नजर डाल सकता है, बोलिए। अम्मा सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा है, फिर भी आपको अपने लाडले बेटे पर एतबार है? तू तो चुप ही कर, बीवी के गुलाम। इसी वक्त के लिए मैं कहती थी कि अपनी जवान जहान साली को इस घर में ना बुलाया कर। मुझे तो पहले ही शक था कि वो मेरे ज़हीन, मेरे बच्चे को फांसने के लिए आती है। माफ कीजिएगा अम्मा, मगर आपका बेटा भी कोई दूध का धुला नहीं है। बस कर दीजिए आप लोग, क्यों परेशान कर रहे हैं अम्मा को आप? अनवर आप जाएं, बच्चों को स्कूल छोड़कर आएं। मैं सब लोगों के लिए नाश्ता लगा दूं, फिर सज्जो को घर छोड़कर आ जाऊंगी। पर तुमसे एक दरखास्त है बेटा, कि रात जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र अपने घर पे ना करना। हमारी इज्जत जो है वो अब तुम्हारे हाथ में। अब्बा भला ये भी कोई कहने वाली बात है? इस घर की इज्जत मेरी इज्जत है, और ज़हीन को तो मैं अपना देवर कम भाई ज्यादा समझती हूँ। मानती हूँ कि उसने जो कुछ किया वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, मगर आप लोगों की खातिर मैं उसे माफ कर देती हूँ। इस मसले का भी कोई ना कोई हल हम ढूंढ ही लेंगे बाद में, अगर आप लोग कुछ खा तो लीजिए। पर अम्मा को तो मैं अपने हाथों से दलिया खिलाऊंगी। अम्मा खाइए। चली जाइए यहाँ से, मुझे तेरे हाथ से नहीं खाना ये दलिया वलिया। और मेरे बेटे के ऊपर इतनी गंदी, इतनी बुरी तौहमत लगाई तूने। अरे मेरा दिल मानता है, मेरा दिल गवाही देता है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अम्मा हरी जा और अपनी बहन का भी बोरिया बिस्तरा बांध के ना रवाना कर उसे यहाँ से, और उसको कहना कि आइंदा मेरी दहलीज पे कदम भी ना रखे, मैं उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहती। चल जा यहाँ से। मुझे अम्मा अब्बा से बात करनी अकेले में। इतना कुछ देखने के बाद अब सुनने को क्या रह गया बाकी? अम्मा अम्मा प्लीज, आप तो मुझसे बात को मानना हो तो जानती हैं मैं ऐसा नहीं हूं। अब्बा अब्बा मेरा यकीन करें, कल जो कुछ भी हुआ वो झूठ था, ड्रामा था वो। भाभी ने सज्जो के साथ मिलकर मेरे 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 खिलाफ जाल बिछाया था, वो आप सबकी नजरों में मुझे गिराना चाहती थी। हमें तुम्हारी बात और वजाहत नहीं सुननी, चले जाओ यहां से। बस
इतना एतबार था आपको अपने बेटे पर, वजाहत का एक मौका तक नहीं दे रहे आप लोग मुझे? क्या सुने तुम्हारी, हमारा मान तुमने खाक में मिला दिया है। मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे ये जब माना जाए ना, पूरी दुनिया में नशर कर देंगे, पूरे खानदान को बता देगी वो, और फिर लोगों को मौका मिल जाएगा तेरे किरदार पे कीचड़ उछालने का और मेरी तरबियत पे उंगलियां उठाने का। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मा, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो आप दुनिया वालों को वजाते क्यों देंगी? किस बात पे रो रही है तुम? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, बताओ क्या चाहती थी तुम? क्या करे, हाथ छोड़ो मेरा, आपा अपने भाई। ऐसे नहीं छोड़ूंगा, चलो अभी मेरे साथ अम्मा अब्बा के पास और उन्हें बताओ कि मेरे और तुम्हारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नहीं बुलाया था तुम्हें अपने कमरे में। क्या करे, हाथ छोड़ो मेरा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ब्लैकमेल करने से मैं हार मान लूंगा तो भूल है तुम्हारी, मर जाऊंगा लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगा। शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही पड़ेगी, वरना सारी दुनिया के सामने इतना जलील कर दूंगी कि तुम अपना मुंह भी किसी को नहीं दिखा सकोगे। आपा अन्ना भाई, क्या करे, हाथ छोड़ो मेरा भाई। आपा हाथ छोड़ो, क्या करे, छोड़ दे। आपा भाई, ये मुझे धमकी दे रहा है, कह रहा है कि सारा इल्जाम मैं अपने सर ले लूं, वरना ये मेरे सारे मैसेजेस और तस्वीरें वायरल करके मुझे बदनाम कर देगा। किस किस्म की लड़की हो तुम? भाई भाई ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें आप लोग, खुदा के लिए मेरा यकीन करें। तुम्हारी झूठी कसमों और वादों पे भी कोई एतबार नहीं है। तुम पहले मेरी बहन को मोहब्बत का झांसा देते रहे, फिर इसकी जिंदगी जज्बात के साथ खेलते रहे, और अब इसी को ही तुम झूठा साबित करने में तुले हुए हो। अरे बेशर्मी और ढिठाई की कोई हद होती है? पहले तो मैं सजो की इज्जत की खातिर चुप थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। आपके बेटे के करतूत पूरे खानदान में जाके बताऊंगी करता क्या रहा है ये। कौन से करतूत, क्या किया है मैंने? बस चुप कर जाओ अनवर, सजो को घर छोड़ के आओ। मैं भी इसके साथ घर जाऊंगी और तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक आप लोग इस मसले का कोई हल नहीं निकाल लेते। कैसा हल, क्या चाहती हैं आप? मेरी अम्मा और भाई के आने का इंतजार करो, अब वही यहाँ आकर कोई फैसला करेंगे। आप लोग मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं तो वक्त ही बताएगा। सज्जो चलो, निम्रा अली तैयार हो जाओ, नानों के घर जा रहे। तुम अपने घर जाना चाहती हो, जाओ, बच्चे नहीं जाएंगे। मेरे बच्चे मेरे साथ ही जाएंगे, और मैं तब तक इस घर में वापस नहीं आऊंगी जब तक आप सब लोग जहीन और सज्जो के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर लेते। सज्जो चलो।